दोस्तों आज के टाइम कोई भी इंसान दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। हर कोई इंसान चाहता है कि वह खुद का बिजनेस करे, और कहीं ना कहीं यह सोच एकदम सही भी, क्योंकि आज के टाइम नौकरी करना पुराने टाइम जितना सिक्योर नहीं रहा। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, आप देख ही रहे हो कि कैसे बड़े बड़े कंपनी एक ही झटके में इम्प्लॉई को बाहर का रास्ता दिखा देती है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो भले ही शुरुआत में आपको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब एक बार आपका बिजनेस चल गया तो यकीन मानो आपको उस फील्ड से कोई हिला भी नहीं सकता। अब हम सबके दिमाग में यह सवाल आता है कि बिजनेस तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉफिट भी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिन्हें आप 2023 में भी शुरू करना चाहे तो शुरू कर सकते हो। ये सभी बिजनेस ऐसे हैं जो सभी की जरूरत से जुड़ा हुआ है। जब तक आप रहोगे तब तक इन बिजनेस की डिमांड हमेशा रहेगी, और फ्यूचर में इन सभी बिजनेस की डिमांड और भी बढ़ने वाली। तो दोस्तों चलो समझते हैं कि कौन से न्यू बिजनेस आइडिया है जिसे हम शुरू कर सकते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है चिल्ड्रेन टॉयस। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी हमेशा से बहुत ज़्यादा डिमांड रही और फ्यूचर में भी और ज़्यादा डिमांड होने वाली, क्योंकि छोटे बच्चों को खेलने के लिए केवल खिलौने ही चाहिए, और पेरेंट्स भी ऐसा चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा टॉयज मिले जिससे उनके बच्चों को केवल टाइम पास ना बल्कि उन्हें कुछ सीखने को भी मिले। जब हम खिलौने की बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नॉर्मल छोटे खिलौने की बात आती है जो लगभग हर गली और नुक्कड़ की दुकान में मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे खिलौने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े बिजनेस की। यदि आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आप इस फील्ड में भी अपना धूम मचा सकते हो। आप एक क्रिएटिव टीम बनाकर कुछ ऐसे टॉयज बना सकते हो जो केवल बच्चों के टाइम पास ना करें बल्कि उनको कुछ सीखने को भी दे। आप डिजिटल टॉयज बना सकते हैं जिससे बच्चों का ध्यान स्मार्टफोन से हटकर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करने में लगे। यह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप आज भी एंट्री करके एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 2, यह फैशन इंडस्ट्री यानी क्लोथिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। दोस्तों आजकल हर इंसान जिसके पास पैसा हो या ना, फिर भी वह अपने पहनावे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। आज कोई भी इंसान नॉर्मल दिखना नहीं चाहता, लेकिन यह बात भी सच है कि इस इंडस्ट्री में आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आप इस कंपटीशन का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। आज भी हम मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं तो बहुत देखने के बाद केवल एक या दो ड्रेसेस ही पसंद आती है, और इसकी केवल एक ही वजह है कि हर दुकानदार अपने पुराने माल को निकालने के लिए नए माल को छुपा कर रखता है, लेकिन इसी वजह से उनका सेल्स भी गिर जाता है और पुराना माल का स्टॉक भी बढ़ता जाता है। आप अगर चाहो तो इस बिजनेस से अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप न्यू और लिमिटेड स्टॉक से इस बिजनेस में उतर सकते हैं। आप शुरुआत में कुछ डिस्काउंट ऑफर निकालकर अपने कस्टमर बना सकते हैं, और एक बार जब आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट पसंद आ गई तो तब आप इस फील्ड में खुद का एक ब्रांड भी बना सकते हैं। अब आते हैं हमारे बिजनेस आइडिया नंबर 3, ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट का। दोस्तों इस फील्ड के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान इस फील्ड के बारे में अच्छे से जानता है कि ब्यूटी पार्लर का कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ब्यूटी पार्लर खोलने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट के बारे में। यकीन मानिए जो प्रोडक्ट मार्केट में हजारों रुपए में बिकते हैं उनको बनाने की कॉस्ट केवल कुछ रुपए ही आता है। बस शर्त इतनी है कि आपके पास प्रॉपर मशीन एंड नॉलेज होनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट का बिजनेस ऐसा है जो फ्यूचर में और भी ग्रो करने वाला है, और भी फ्यूचर में महंगे महंगे प्रोडक्ट आने वाले हैं। आज भी एक अच्छा टाइम है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। अब बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 4, यह बिजनेस आइडिया है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का। दोस्तों यह बिजनेस खासकर उन लोगों के लिए है जो एक अच्छी खासी सिटी में रहते हैं, ऐसी जगह में रहते हैं जहां अमीर लोग रहते हैं। इस बिजनेस में आपको खुद एक शॉप खोलकर स्टॉक्स जमा करके रखने की जरूरत नहीं है। आज डिजिटल टाइम जिसमें आप अपनी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें लोग आपको अपनी जरूरत की चीज़ें ऑर्डर करेंगे, और आपकी टीम नज़दीकी मॉल या मार्केट से सामान खरीद कर एक सही टाइम तक ये चीज़ें उन लोगों तक पहुंचा देगी। अब कई लोगों के माइंड में यह सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन लोग होंगे जो हमसे अपने घर का सामान मंगवाएंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए आज के टाइम हर कोई इंसान फ्री रहना चाहता, अपनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए मॉल में घंटों बर्बाद नहीं करना चाहता, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप अपना खुद का एक बिजनेस बना सकते हो। और यह एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता है, और बहुत कम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन जो भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं वो अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 5,
जो है होम सोलर एनर्जी सेटअप कंपनी। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि फ्यूचर में एकदम से बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, क्योंकि टाइम के साथ हर एक चीज़ इलेक्ट्रिक बनने वाली है। एग्जाम्पल के लिए न्यू लॉन्च हो रही कार्स एंड बाइक्स को देख लीजिए, और इस बात से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में हर इंसान चाहेगा कि उसके खुद के घर पर एक सोलर एनर्जी सेटअप हो, जिससे उसे हर महीने महंगी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ना करना पड़े। और यही एक वजह है कि होम सोलर एनर्जी सेटअप का बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, और अगर थोड़ा मेहनत करें तो आप इस बिजनेस में एक अच्छा पकड़ बना सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया थे जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। आपको इस 5 बिजनेस आइडिया में कौन सा बिजनेस आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।